Chowkidar. The Congress is saying that Chowkidar is chore, and the BJP is saying that Chowkidar is for the country, and every Indian is a Chowkidar. So, because you've been partners with alliance partners with BJP, what's your take on this? Well, I think this is for the first time in the history of our country, you know, with a prime minister as a Chowkidar. You still had people like Nirav Modi, you had Malia, you had Choksi, you know, looting the country with thousands and thousands of crores, and they have left the country and, you know, gone with the money. So I don't know what kind of a Chowkidar you are talking about. देखिए जो इस वक्त चल रहा है, जो जिस तरह से इलेक्शन के नज़दीक जो इस वक्त मुद्दा बनाया जा रहा है, बेरोजगारी, बेकारी, फार्मर्स इशू, GST, ट्रेडर्स की सख्ती, महंगाई, ये कोई इशू नहीं है। आप यहाँ से कोई भी बात कहिए तो वहाँ से बीजेपी वाले कहते हैं बालाकोट। आप बेरोजगारी की बात करते हैं तो वो कहते हैं बालाकोट। हर चीज का जवाब वो बालाकोट से देते हैं, वो असली मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान की मैडम क्या मजबूरी है, वो क्यों उसी इस फाइब्रेशन कर रहा है? यहाँ तो इलेक्शन है, वहाँ क्या है? नहीं, वो तो मैं, ये तो दोनों तरफ से हो रहा है ना, कि जब यहाँ से मारते हैं फिर वो वहाँ से मारते हैं फिर यहाँ से मारते हैं। ये तो दोनों का जो जो बॉर्डर्स पे जो सिलसिला है वो तो दोनों तरफ से इस वक्त कन्फ्रंटेशन का है, क्योंकि आप एक्शन करेंगे तो रिएक्शन होगा उसका। मैम, भाजपा कहती है इस बार हम 6 की 6 सीटें जीतेंगे, इसको किस तरह से देखते हैं? मेरे ख्याल में मुश्किल से अगर वो एक आध सीट भी बचा सके तो बहुत कमाल होगा उनका। शुक्रिया। बनती नहीं है तो आपके साथ? नहीं, मेरे ख्याल में अभी बहुत, इट विल बी टू अर्ली इस किस्म का स्पेकुलेशन करना। हम समझते हैं कि जब सिचुएशन आएगी, और हम तो अभी अपने 6 की 6 सीटों की तैयारी कर रहे हैं वहाँ अपने कैंडिडेट खड़े करने के, तो इसलिए अभी ऐसी कोई बातचीत नहीं है। कांग्रेस, क्या आपको लगता है ऑप्शन है? आपको लगता है वो सिकुलर है? क्या आपको लगता है कि बीजेपी को रोकना है तो उनके साथ जा सकते हैं? देखिए, वो देखा जाएगा, वो उसमें हम अपने जो हमारी स्ट्रेटजी है, क्या स्ट्रेटजी करनी चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि अगर सब तमाम जमातें लड़ती हैं, एनसी भी लड़ती है, कांग्रेस भी लड़ती है, बीजेपी भी लड़ती है, तो फिर ये एक्सपेक्ट करना कि पीडीपी नहीं लड़ेगी तो मुझे लगता है ये जाती है। उमर अब्दुल्ला ने शाह फैजल पर बोला है कि एजेंसीज नई नई पार्टीज बना रही हैं, तो शाह फैजल जो नई पार्टी लेके आए हैं उस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा, तो आप इसको क्या, किस तरह लेते हो शाह फैजल का जो पॉलिटिक्स में आना, किस तरह लेते हो उसको? ये बहुत अफसोस की बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की जो है इसको अपना जागीर समझती है। जब कांग्रेस आई तो उस वक्त मुफ्ती साहब कांग्रेस में थे तो कहते थे कांग्रेस गंदी नाली के कीड़े हैं, ये दिल्ली की जमात है, और उसके बाद जब पीडीपी बनी तो उस पर भी इल्ज़ाम लगाया। तो आज शाह फैसल आए हैं नई जमात बनाने के लिए, तो आज भी उमर साहब को लगता है कि जो भी बाहर कोई जमात बनाना चाहे वो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो जागीर है शहर उस पर अपना हक जताने की कोशिश करें। मैं समझती हूँ हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, यहाँ हर एक को हक है अपनी जमात बनाने का, अपनी पॉलिटिक्स करने का, ये कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई जागीर नहीं है। आप सियासत देखते हैं मैडम, पूरे आप मुझे बताएं कि जिस तरह से 2014 में प्राइम मिनिस्टर मौजूद भी उमर साहब को नजर आता है कि पीडीपी करवा रही है, तो मैं क्या कहूँ उनको? नहीं, आपको लगता है कि उनका वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं इस पे, या उसमें कोई आपको लगता है कि वो पॉलिटिक्स है उनकी? देखिए, उमर साहब अनफॉर्चुनेटली जिस किस्म के स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपको याद होगा ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ही थी 96 में जिनके पास 2/3 मेजॉरिटी थी, जिन्होंने पकड़ दकड़, कस्टडियल किलिंग, फेक एनकाउंटर का जो है सिलसिला शुरू किया, और उस सिलसिले को पीडीपी ने ख़त्म किया। तो आज उमर साहब मुझसे ये बात करें तो अजीब लगता है। मैम, अब इलेक्शंस का ज़माना है, इस टाइम चल रहा है इलेक्शन का माहौल है, आपकी पार्टी का कहा जा रहा था कि आप कांग्रेस से कोई अलायंस कर सकते हैं, क्या इसमें कोई बात है? नहीं, ऐसी कोई अभी तक कोई इस किस्म की हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, ये अफवाहें हैं, स्पेकुलेशन है, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। क्योंकि एनसी और कांग्रेस का आ रहा है कि वो शायद अलायंस करे, इस तरह देखते हैं? नहीं, वो ठीक है, उनकी आपस में उनका आपसी मामला है, वो अलायंस करना चाहे किस तरह करना चाहे, वो एनसी और कांग्रेस का अपना मामला है। नहीं, क्योंकि नहीं। आपने भी प्रेज किया है कुछ दिनों पहले, हमने पढ़ा, आपने प्रेज किया था राहुल जी को और सोनिया गांधी, और उन्होंने भी आपको प्रेज किया, तो पॉलिटिक्स में तो हर कोई डोर ओपन है, क्या अगर एनसी और कांग्रेस की बनती नहीं है तो आपके साथ? नहीं, मेरे ख्याल में अभी बहुत, इट विल बी टू अर्ली इस किस्म का स्पेकुलेशन करना। हम समझते हैं कि जब सिचुएशन आएगी, और हम तो अभी अपने 6 की 6 सीटों की तैयारी कर रहे हैं वहाँ अपने कैंडिडेट खड़े करने के, तो इसलिए अभी ऐसी कोई बातचीत नहीं है। कांग्रेस, क्या आपको लगता है ऑप्शन है? आपको लगता है वो सिकुलर है? क्या आपको लगता है कि बीजेपी को रोकना है तो उनके साथ जा सकते हैं? देखिए, वो देखा जाए, कहते थे कांग्रेस गंदी नाली के कीड़े हैं, ये दिल्ली की जमात है, और उसके बाद जब पीडीपी बनी तो उस पर भी इल्ज़ाम लगाया।
तो आज शाह फैसल आए हैं नई जमात बनाने के लिए, तो आज भी उमर साहब को लगता है कि जो भी बाहर कोई जमात बनाना चाहे वो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो जागीर है शहर उस पर अपना हक जताने की कोशिश करें। मैं समझती हूँ हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, यहाँ हर एक को हक है अपनी जमात बनाने का, अपनी पॉलिटिक्स करने का, ये कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई जागीर नहीं है। मैम आप सियासत देखती हैं मैडम पूरे, आप मुझे बताएं कि जिस तरह से 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो वेव थी, क्या आप उसको अभी देख पा रही हैं? आपको लगता है कि देश में और खासकर जम्मू में वो वेव काम करेगी? देखिए, नरेंद्र मोदी जी को बहुत बड़ा मैंडेट मिला था और मुफ्ती साहब ने उनको बहुत सुनहरी मौका दिया था, न सिर्फ लीडर बल्कि पूरी दुनिया में लीडर बनने का, जब उन्होंने जम्मू कश्मीर के हवाले से बीजेपी के साथ हाथ मिलाया और उनको एक मौका दिया कि वो जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान करें। तो बदकिस्मती से वो ऐसा कर नहीं पाए और मुल्क के अंदर भी जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट है, चाहे फार्मर्स डिस्ट्रेस है, चाहे जो GST से लोगों को तकलीफ है, जो बाकी मामलात हैं, बेरोज़गारी बेकारी है, वो मामले वो जू के तू हैं, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि जो 2014 में जिस किस्म के हालात थे आज हालात मुख्तलिफ। दोनों देशों की टेंशन थी लेकिन अभी मीटिंग हुई करतारपुर कॉरिडोर को लेकर, इसको किस तरह देखते हैं? ये बहुत अच्छी बात है कि करतारपुर कॉरिडोर को लेकर आपस में बातचीत हो रही है दोनों मुल्कों में। तो मैं तो कहती हूँ कि ऐसे कई कॉरिडोर खुलने चाहिए और जम्मू कश्मीर से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। हमारा जम्मू सियालकोट खुलना चाहिए, जम्मू नौशहरा जंगड़ खुलना चाहिए ताकि आवाजाही हो और दुश्मनी के बजाय एक दूसरे के साथ दोस्ती हो। जिस तरह एक चौकीदार का ऑपोजिशन बोलती है कि चौकीदार चोर है और जो बीजेपी कह रही है कि हम देश के चौकीदार है, आप भी अलायंस पार्टनर रहे बीजेपी के साथ, तो क्या चौकीदार है? मैं क्या कहूँ, मैं तो ये कहती हूँ कि जो बड़े बड़े जो आपके जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो तो चोरी करके भाग गए, चाहे मोदी है, नीरव मोदी है, चाहे मालिया है या और जैसे लोग हैं, चौकसी जैसे लोग, वो तो सारा पैसा लेके भाग गए, तो कहाँ का चौकीदार? वो कहते हैं क्योंकि आप तो कह रहे हैं चौकीदार नहीं है, वो कह रहे हैं कि आपको जो है अरेस्ट करना चाहिए, आप FIR आपके खिलाफ होना चाहिए क्योंकि आप मिलिटेंट्स की बातें कर रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई सिविलियन मरता है, कोई CRP का मरता है, कोई जवान शहीद होता है, तो आप उस पर जैसे लोग हो तो सारा पैसा लेके भागे, तो कहाँ का चौकीदार? वो कहते हैं क्योंकि आप तो कह रहे हैं चौकीदार नहीं है, वो कह रहे हैं कि आपको जो है अरेस्ट करना चाहिए, आप FIR आपके खिलाफ होना चाहिए क्योंकि आप मिलिटेंट्स की बातें कर रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई सिविलियन मरता है, कोई CRP का मरता है, कोई जवान शहीद होता है, तो आप उस पर ज्यादा बात नहीं करती है जब कोई मिलिटेंट मरता है या कोई FIR। नहीं, आज का जो लड़का रिजवान है ये कोई मिलिटेंट था क्या? ना तो इसके हाथ में बंदूक थी, ना तो इसके हाथ में पत्थर था, बल्कि एक स्कूल टीचर था, इसको पकड़ के ले गए और इसको कस्टडी में मार दिया। अगर आज हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, बात नहीं करेंगे, तो कब करेंगे फिर? तो बाकी जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, वो कुछ भी कह सकते हैं, मेरे खिलाफ कोई भी इल्जाम दे सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम, एक आखिरी सवाल ये है कि आपने हमेशा से हिमायत की है कि भारत पाकिस्तान में बातचीत होनी चाहिए, रास्ते खुलने चाहिए, लेकिन जब से बालाकोट स्ट्राइक हुआ उसके बाद जो हालात हैं LOC के ऊपर वो कशीदा बने हुए हैं। कल भी अखनूर सेक्टर में पूरी रात बारिश जो है फायरिंग या शेलिंग होती रही, सीज़फ़ायर वायलेशन हुए। इन हालात में जब डीएस्केलेट करने की कोशिश होनी चाहिए, एस्केलेशन हो रहा है, इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? ये सब इलेक्शन का मामला है, जब तक 2019 के जो इलेक्शन आने वाले हैं तब तक ये मुठभेड़ आपस में चलती रहेगी, कन्फ्रंटेशन चलती रहेगी, क्योंकि बदकिस्मती से हमारे पूरे मुल्क में एक माहौल बनाया गया है कि जितना आप जम्मू कश्मीर में सख्ती करोगे, जितना पाकिस्तान के साथ एंड ओपन पाकिस्तान टू आवर साइड, सो दैट पीपल एंड गुड्स वुड यू नो गो अक्रॉस दीज बॉर्डर्स एंड इट वुड प्रमोट फ्रेंडशिप रादर देन एनिमोसिटी बिटवीन द टू साइड्स। देयर हैज बीन अ कस्टोडियल इन वैली, हाउ डू, वेरी अनफॉर्चूनेट बिकॉज़ दिस इज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, यू नो, it has been said that a youth Rizwan, who is a teacher, has died in the custody of NIA, and NIA has its own credibility at stake now, and NIA was extended to Jammu and Kashmir in 2009. Since then they have been working there, but this is for the first time that something like this has happened. I think they should investigate the matter, and you know, whosoever is responsible should punish him so that it doesn't occur again. Recently NIA summoned the separatist leaders also, Mirwais. But he didn't win there. Mm-hmm.
Yeah, I didn't go there. He is ready to take the questions within at Srinagar because he feels there's a threat to his life if he, you know, is goes outside JNK because of the atmosphere, particular atmosphere that has been created after the, you know, Pulwama attack. Elections are coming, and it's coming out that NC and Congress may come together. So that's for them, you know, because that's for them to decide what can I say about it. And the Shah Faisal has come up with a new party. That's a good thing because I think, you know, we are living in a democracy. Everybody has a right to form his own new party and, you know, work within the democratic system that is provided by our constitution. Is PDP ready for elections?